सो गाइस, ये जो दरगाह है साईं बाबा साईं मीरा बख्श की दरगाह है यहाँ पे, जिस जगह पे आया तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद अर्बन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। अब इवनिंग टाइम हो चुका है तो आज हम जा रहे हैं ज़ारत दरगाह है, बहुत ही मशहूर दरगाह है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से आएंगे आज, तो आपको वहाँ का ब्लॉग बताएंगे आज। और वहाँ पे पाकिस्तान चेक पोस्ट है, पाकिस्तान के वहाँ पे घर हैं वहाँ पे, वो भी दिखाएंगे आपको और काफ़ी इंजॉय करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो जो हमारा ब्लॉग है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम ज़ारत पर जा रहे हैं, तो दरगाह है, बहुत ही मानता है वहाँ पे भी, आज वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं दोबारा से। आज का हमारा इवनिंग व्लॉग है, जो अब शाम को हम निकले हैं अभी, तो शाम का टाइम हो चुका है अभी, तो दोस्त मेरे अभी सभी एक से एक साथ हो चुके हैं, तो हमारे तविंदर भाई भी जॉब करते तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो अभी वो आ चुके हैं तो उनको साथ में लेके जा रहे हैं हम। तो हम दरगाह पर जाएँगे, वहाँ पर माथा टेकेंगे और उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ का। तो काफ़ी अच्छी रोड बन चुकी है यहाँ पे भी, तो पहले ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, तो अब काफ़ी अच्छा इन्होंने डेवलप कर दिया हुआ है, तो रोड बिल्कुल साफ़ बन चुकी है, गाड़ी इजीली यहाँ से जा सकती है, तो पहले बहुत परेशानी होती थी, तो अब बहुत ही ईजी हो चुका है यहाँ पर जाना, ड्राइव करना बहुत ईजी हो चुका है। तो गाइस मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जूम करके, वो जो वाइट सी बिल्डिंग आपको दिख रही वो दरगाह है। तो गाइस ये हमारे भाई साहब कराट है थले, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई साहब। तो ये हमारे गुरुद्वारा साहब के जो यहाँ पे रूम के इंचार्ज थे, यहाँ पे हमें रास्ते पे मिले, तो यहाँ पे मक्की का आटा लेने के लिए आए हुए थे कराट में। तो भाई आप कुछ ब्रीफ करोगे कराट के बारे में? भैया कल आपको लाइव डेमो तो दिया था हमने कराट, ठीक है, वाटर टर्बाइन यहाँ पे, इसको पुंछी लैंग्वेज में कराट बोलते हैं। तो गाइस यहाँ से मक्की का आटा निकलता है और इवनिंग व्यू जो बहुत ही प्यारा है यहाँ का, इवनिंग व्यू बहुत ही प्यारा है। तो आज हम इवनिंग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आज हम अपने इवनिंग व्लॉग पे निकले हैं, हमारा आज का व्लॉग जो है इवनिंग का रहेगा, दोपहर को थोड़ी गर्मी थी इसलिए हम नहीं निकले कहीं पे बाहर। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दूर है और देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, और बहुत ही नैरो रोड है ये, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड है ये, तो काफ़ी अच्छा है एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हम इनसे थोड़ा सा एड्रेस पूछना पड़ेगा हमें। भैया दरगाह का रास्ता ही है, कितने दूर है तू? रोड ही है साफ, ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। सुपर मुड़े अगे वाली किधर गई? ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया जी बहुत बहुत। तो गाइस हम दरगाह का जो जिस ज़ारत पे हम जा रहे हैं उसका एड्रेस थोड़ा सा मालूम नहीं था, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोकल रहते हैं उनसे हमने एड्रेस पूछा था, और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पत्थर वगैरह भी गिरे हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी रिस्की रोड है यहाँ पे, बरसात के मौसम पे बहुत ही रिस्की रहता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती रहती है यहाँ पे। यहाँ से हमारी कच्ची रोड जो शुरू हो जाती है, काफ़ी ख़राब रोड है, तो पत्थर वगैरह भी ये गिरे हुए हैं, लैंड स्लाइड होती रहती है यहाँ पे। तो ये आ गया मेन गेट और ज़ारत हमारे सामने है, यहाँ से दिख रही है हमें जो दरगाह है, बहुत ही खस्ता हालत है इस रोड की, काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है,
गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी यहाँ पे भी खराब हो गई है यहाँ पे किसी की, तो यहाँ पे गाड़ी छोड़ के चले गए यहाँ पे जिसकी भी गाड़ी होगी, क्योंकि काफी खराब रोड है तो ड्राइव करना भी मुश्किल हो जाता है। जब कभी भी आए 4x4 गाड़ी लेके आए पक्का चेक करके आए, काफी खराब रोड होती है, बीच बीच में काफी खराब रोड आ जाती है। सो गाइस, सबसे एक यूनिक बात इस दरगाह की जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये दरगाह है, मेरे कैमरे पे आपको दिख रही है वाइट सी जो बिल्डिंग दिख रही है, दरगाह है ये। तो चलो फोटो ला रहे हैं। एक दरगाह जो भी जिसकी यूनिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी आप टर्न लेंगे, कोई भी आप पहाड़ पे कहीं भी मुड़ेंगे आप, तो आपको ये दरगाह हमेशा मोड़ पे दिखेगी और ये बहुत ही यूनिक बात है, हर मोड़ पे आपको दिखती है। तो गाइस, आप भी अगर आए तो ऐसे ये चीज कभी भी ऑब्जर्व करें, खुद एक्सपीरियंस करें, तो गाइस जरूर आके देखें इस चीज को बारे में भी। गाइस, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे जो लोगों ने घर बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा घर है ये, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे लोग जो लोकल रहते हैं काफी अच्छा यहाँ पे उन्होंने घर बनाते हैं, यहाँ पे लोग पहाड़ी लोग हैं यहाँ के, तो काफी अच्छे से घर बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, यहाँ पे काफी ठंड रहती है, यहाँ पे भी सर्दियों के दिन पे, यहाँ पे जो जनवरी के मौसम पे यहाँ पे बर्फ पड़ती है। गाइस, हमारे नीचे लोगों के छोटे छोटे घर आपको देख रहे होंगे। हम पहुंच चुके हैं लोकेशन, ये हमारे भाई छोटे यहाँ पे मिल चुके हैं यहाँ पे। भाई अपने पे नाम बता दो यार, भाई क्या नाम है भाई आपका? सैफुल्लाह राठौर भाई। तो भाई ये लोकेशन कौन सी पड़ती है? ये इस्लामाबाद है, शाहपुर। शाहपुर इस्लामाबाद। तो हम दरगाह पे जा रहे हैं, रास्ते पे हमें दोस्त मिल चुके हैं, तो जम्मू में भी रहते हैं और यहाँ पे भी इनका घर है, तो एंजॉय करना गाइस हमारी इस राइड को। तो हम तो फिलहाल दरगाह पे दर्शन करके आएंगे दोबारा, इनको दोबारा नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो इनको जरूर मिल के जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ज़ायरत दरगाह, जिसका मैंने जिक्र किया था। तो ये रास्ता लेफ्ट पे जो रास्ता जाता है, ऊपर गाड़ियां जाती हैं, और राइट पे जो येलो सी दिख रहा है शेड, वहां से सीढ़ियां जाती हैं जो पैदल जाना चाहते हैं, और जो गाड़ियों पे जाते हैं यहां से जाते हैं। तो फिलहाल हम गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, सीढ़ियां नहीं चल पाएंगे। हमारे कमजोर भाई बलविंदर सिंह, जोर भाई हम दिन के थक चुके हैं, तो हमारे कुछ दोस्त भी मिल चुके हैं यहाँ पे जो लोकल रहते थे, दविंदर भाई के दोस्त हैं, तो वो भी आगे जा चुके हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे, तो ज़ायरत पे भी जाएंगे हम। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे, ज़ायरत पे, दरगाह पे, और गाड़ी लगाने की अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं तो पार्किंग के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे लोकल हेड से, इनसे हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे रास्ता है, तो ये रास्ता यहाँ पे नीचे जाता है। हमारे दविंदर भाई नीचे जाते हुए काफ़ी मुश्किल रास्ता था, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हम। ये है दरगाह। सो गाइस, ये जो दरगाह है साईं बाबा साईं मीरा बख्श की दरगाह है यहाँ पे, जिस जगह पे आया तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आई है, और ये बहुत ही अच्छा मुआयना है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू दिखता हुआ लोगों को, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, तो बहुत हाइट पे है यहाँ पे, पीक है ये, तो हम अभी इसके थोड़ा सा पीछे खड़े हैं, अंदर जाके आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, हम यहाँ पे जो देखने के लिए आए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए इस दरगाह के, तो एंजॉय करेंगे। ठंड हमेशा यहाँ पे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ रहती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। बहुत ही ज़्यादा हाइट पर आई है, तो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं, और मैं आपको पाकिस्तान के चेक पोस्ट पर आते हैं, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो दरगाह पर हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर फाइनली, तो यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए हैं स्पेशली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे, दरगाह पे हम पहुँच चुके हैं, तो हमारे कुछ दोस्त भी हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, तो उनसे मुलाकात भी करेंगे, तो दरगाह के अंदर जाके आपको भी दिखाएंगे। हमें दरगाह के यहाँ पे दर्शन कर लिए, यहाँ पे आए थे अपने दोस्तों के साथ, तो हमारे कुछ दोस्त भी यहाँ पे मिल बने, तो केरला से भी हमारे दोस्त आए, तो आपको अपने दोस्त से भी मिलाने जा रहे हैं। तो ये हमारे दोस्त केरला से आए हुए हैं स्पेशली जम्मू का, 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, पुंछ पे रह रहे हैं 10 साल से, टीचर हैं यहाँ पे, तो व्लॉगिंग भी करते हैं, तो ये इनके ये स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारे भाई, क्या नाम है भाई आपका? निखिल।
तो केरला से आए यहाँ पे, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पे आए, तो लास्ट 10 ईयर से यहीं पे रह रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे मिलो, ये भी व्लॉगिंग करते हैं, तो इनका शौक है व्लॉगिंग करने का, और यहाँ पे हमारे J&K को भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। हम अपनी घर की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कुछ लोकल एड्स हैं जो हमें यहाँ पे मिले, तो जनाब क्या नाम है थोड़ा, सामने आओ थोड़ा, मोहम्मद शदीब, तो ये यहाँ पे रहते हैं। तो हम ज़ियारत पे आते हुए रास्ते पे हमें मिल चुके, तो हमने इनसे पूछा कि पाकिस्तान का एरिया कौन सा, हिंदुस्तान का एरिया कौन सा है, तो इन्होंने हमें बताया कौन कौन सा एरिया इंडिया के अंडर आता है। तो मेरे पीछे जो आपको लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये सारा इंडिया का एरिया आता है, और उसके साथ मैं आपको कैमरा जूम आउट करूँगा और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल हमारे सामने है। ये जो लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, तो ये सारा इंडिया के एरिया के अंडर आ जाता है, फेंसिंग वगैरह यहाँ पे हुई हुई है। तो और ये जो सारी लाइट्स हैं इंडिया की ही हैं। तो इसके बैक साइड पे जो राइट, इसके अपोजिट जो लेन दिख रही है आपको, इसके अपोजिट जो ब्लैकआउट सारा दिख रहा है, ये सारा एरिया जो है पाकिस्तान का है। यहाँ पे पाकिस्तान चेक पोस्ट है, पाकिस्तान के घर हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल आमने सामने हैं इन दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान का घर जो चेक पोस्ट है बिल्कुल आमने सामने है यहाँ पे। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, होप आप सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो आज का ये जो व्लॉग हमारा आज यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ मैं यहाँ अपना, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, और इन्जॉय करना, चिल करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो गाइस कीप सपोर्टिंग ट्रैवल विद अर्बन एंड टेक केयर, गुड बाय।